एवरीवन वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेई मेंस 2020 जनवरी एग्जामिनेशन की। और आप लोगों को बता दूं एनटीए ने फाइनल आंसर की रिलीज कर दी है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे एक पब्लिक नोटिस शो किया जा रहा है जो कि 17 जनवरी को डिक्लेयर किया गया है एनटीए की तरफ से। ये जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन जनवरी का फाइनल आंसर की रिलीज कर दिया गया है पेपर वन बीटेक स्टूडेंट्स के लिए। आपको बता दूं एग्जाम डेट 7 जनवरी, 8 जनवरी एंड 9 जनवरी तीनों डेट की आपके आंसर की आ चुकी है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स की। क्वेश्चन आईडी और करेक्ट ऑप्शन आईडी दोनों प्रोवाइड की गई है। तो आपने अगर अपना रिस्पांस की और क्वेश्चन और रिस्पांस अगर आपने डाउनलोड कर रखा है जो कि जेई मेंस के ऑफिशियल वेबसाइट पे आई थी, आप लोगों ने अगर डाउनलोड किया था है तो आप इसे मैच कर सकते हो। क्वेश्चन आईडी और करेक्शन आईडी दोनों यहाँ पे प्रोवाइडेड है, तो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। वो पीडीएफ के रूप में दे दी गई है जी मेंस के द्वारा एनटीए के द्वारा फाइनल आंसर की और स्कोर कंपाइल जो कि 17 जनवरी को रिलीज किया गया पेपर वन के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स तीनों की है। 7 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट की आप ये देख पा रहे हो, तो इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वहां से आप लोग चेकआउट कर लेना। और ये देख सकते हो आप 7 जनवरी शिफ्ट टू की है। इसमें आपके जो न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस हैं उनके भी आंसर्स हैं जो कि आपके इंटीजर टाइप में हो हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका 8 जनवरी शिफ्ट वन की है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो इससे आप मैच कर सकते हो कि आपके क्या स्कोर्स बन रहे हैं और क्या परसेंटाइल है। और ये 8 जनवरी शिफ्ट टू की है, और ये आपका 9 जनवरी शिफ्ट वन, और ये 9 जनवरी शिफ्ट टू। तो यहाँ पे सारे डिटेल्स प्रोवाइडेड हैं। कुछ क्वेश्चंस आईडी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, वो भी जल्द उपलब्ध कर दी जाएगी। और ये एनटीए की तरफ से रिलीज किया गया फाइनल आंसर की। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और आपने अगर अभी तक स्कोर कार्ड नहीं चेक किया तो स्कोर कार्ड चेक कर लो क्योंकि वो रिलीज कर दी गई है एनटीए के द्वारा।